तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज सभी लोगों को जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, तो आज का सुबह का जो शुरुआत होता है वो 11:24 से शुरू हो रहा है। हालांकि आज सुबह मैं 8 बजे में उठ चुका था, तो मैं प्रेयर करने के लिए चर्च गया था। तो वहां से आने के बाद अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज का ब्रेकफास्ट घर से, बाहर से नहीं। उसके बाद ये सब ख़त्म करके फिर काम पे निकलना है। तो पहले देखिए मैं आज में हाँ जी गाइस, आज का मेरा ब्रेकफास्ट जो हो रहा है वो सेम ही है। यहाँ पे तो बेंगलोर में इसको कहते हैं वेंगी भात, अच्छा लगता है टेस्ट। ये देखिए अच्छा है ना। और ये है मैंगो जूस। तो आज का ब्रेकफास्ट तो मेरा यही होने वाला है घर से। तो इन सबको मैं ख़त्म कर से अब से मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक बार। आज तो मैंने, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या किया, मैंने वो दिखाने के बाद मैं तुरंत, मुझे एक मैसेज आया कि आपका ऑर्डर एक्साइन हो गया है, आपको ऑर्डर दिल्ली के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं ऑर्डर दे दिया। उसके बाद तो कंटिन्यू बहुत ऑर्डर आया। आज तो मैं लंच भी नहीं किया, लंच तो टोटली स्किप हो गया, चाय भी पिया नहीं, स्नैक्स भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इतना थकान हो गया, मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद मम्मी ने बोला कि आज रात में खाना क्या बनेगा। तो आज हम लोग ने, कितना दिन के बाद हम लोग ने, बहुत दिन हो गया चिकन नहीं खाया, नॉन वेज आइटम नहीं खाया। तो इतना दिन से वेज ही आइटम बन रहा था, तो आज सोचा मैं चिकन बनाऊँ आप लोगों के लिए और दिखाऊँ कि मैं चिकन कैसे बनाता हूँ। तो अब ये मेरा गाड़ी है, मेरा बेबी, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था अपने बेबी के साथ में। तो अभी मैं चिकन लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आज मैं चिकन बना के दिखाऊंगा कि आज मैं चिकन कैसे बनाता हूँ, ठीक है? तो आप चैनल पे बने रहिए, मैं चिकन जब बनाऊंगा, शुरू करूँगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? गाइस, यहाँ से अभी मैंने थोड़ा कुछ फ्रूट उठा लिया है। ये फ्रूट मेरे लिए नहीं, मेरे मम्मी के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि फ्रूट सभी खाना है। तो अभी यहाँ से मैंने केला ले लिया और ये अंगूर ले लिया, जो कि मुझे 1/2 किलो 30 का पर अंगूर और 1 किलो 30 रुपया केला पड़ा है, ठीक है? तो इन सभी को लेके आता। वैसे मैंने चिकन और चिकन भी ले लिया है, अब इसको जाके मैं कुक करूँगा, फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? तो हाँ जी गाइस, मैंने चिकन लेके आ गया घर पे। तो ये कम 1/2 किलो चिकन है। तो चिकन का रिसेप्शन शुरू करते हैं, उसके पहले मैं चिकन को वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं भी बताता हूँ, ठीक है? तो हाँ जी गाइस, मेरा चिकन धोना हो गया है, आप देख सकते हैं मैंने चिकन को धो दिया है अच्छी तरह से। तो आज चिकन मैं बना रहा हूँ। तो चिकन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, मैंने ये दो प्याज लिया, अब मैंने ये दो का प्याज लिया हुआ है, इसको मैंने काट लिया है। और ये मैंने दो आलू लिया जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिए हैं। और ये मैंने एक टमाटर और एक छोटा वाला टमाटर कट कर लिए छोटे छोटे। 3 हरी मिर्ची ले लिया। ये जो मिर्ची है ना, आप कितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सबसे मेन तो यही है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमारा यहाँ पर ये रेडीमेड आता है, तो हमने रेडीमेड किन के रखा है। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये डाबर, ये डालडा का मस्टर्ड ऑयल है, इसी से चिकन बनाते हैं हम लोग। इसका ये तेल से हम चिकन बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब भी आप चिकन या मटन बनाओगे ना, तो कोशिश कीजिएगा ये मटन, ये जो मस्टर्ड ऑयल आता है ना, इससे बना के देखिए, आपका खाना का स्वाद ही अलग रहेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों से अभी मैं चिकन बनाने वाला हूँ, एक सिंपल सा डिश होगा, ठीक है? मैं बना के दिखाता हूँ, आप चैनल पे बने रहिए। तो गाइस, मैंने अपना कढ़ाई को गैस पे बिठा दिया है और मैंने ये तेल डाल दिया है इसमें, ठीक है? आप
ये तेल में आपको कितना तेल आप लोग खाते हैं उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बस थोड़ा सा डाला क्योंकि हाफ किलो चिकन में इतना तेल सफिशेंट है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से मैं शुरू करूँगा, क्या क्या मैं डालूँगा आपको सब दिखाऊँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने आलू कट करके रखा था तो उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा तेल गर्म हो गया है। तो अभी ये जो मैंने जो हल्दी मिक्स करके आलू रखा हुआ है, ये आलू में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके अभी इसको मैं फ्राई करूँगा। फ्राई करके उसको उठाऊंगा, उसके बाद चिकन की रेसिपी बनाते हैं। ठीक है, फ्राई कर लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बस फिर से वही बोलता हूँ, बस आलू को कट किया, थोड़ा सा हल्दी डाला और तेल में डाल दिया उसको फ्राई करने के लिए, जब तक ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन और थोड़ा सा और पकना, क्योंकि ये चिकन में जाके भी पकेगा। तो उसके पहले हम तेल में इसके लिए तेल में थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिए, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप इसको इस तरह फ्राई करोगे ना तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो पहले मैं इसको मैं लाइटली फ्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना तो मैं इसको डालूंगा। वैसे भी जब ये चिकन में जाएगा ना ये अच्छी तरह से और भी पकेगा और भी सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं अभी मेरा ये जो आलू है थोड़ा थोड़ा यहाँ से लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी आप देख सक रहे हैं ये भी थोड़ा लाइट ब्राउन होने से ही लाइट ब्राउन हो गया है। तो चिकन बनाने के लिए यही थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए था, थोड़ा लाइट ब्राउन, क्योंकि ये जिसको ज़्यादा कुक भी नहीं करना, थोड़ा सा लाइट डीप फ्राई हो गया ना, वैसे ही जब ये चिकन में जाएगा तो ये और भी। तो बस इसको आप निकाल लेते हैं, आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, अभी चिकन का बनाने का रेसिपी यहीं से शुरू होता है। मैंने आलू को फ्राई करके रख दिया है। अभी चिकन ऑयल में डालने से पहले ये मैंने दालचीनी लिया है, लौंग लिया है और इलायची लिया है। मैंने दो इलायची, दो लौंग और दो दालचीनी लिया है। ठीक है, इसको डालते हैं। अब इसमें थोड़ा प्याज, जो मैंने प्याज करके रखा था वो प्याज डाल देता हूँ। प्याज को ऐसे चलाते रहना पड़ेगा आपको, तब तक ये प्याज आपको लाइट ब्राउन नहीं हो जाएगा तब आपको चलाना पड़ेगा ये। तो हाँ जी, मैंने अभी इसको अब तक मैं इसको हिला रहा हूँ। तो अभी देखिए हिलाने के बाद ये थोड़ा ऐसे आपको लाइट ब्राउन हो गया। हाँ, अभी सही टाइम है इसको चिकन जाने का। अब इसमें चिकन डालूंगा क्योंकि ये लाइट ब्राउन हो चुका है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना तीता हो जाएगा। तो अभी देखिए जितना हमको जो स्ट्रक्चर चाहिए था वो एकदम परफेक्ट आ गया। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। ठीक है, मैंने ये चिकन इसमें डाल दिया है, अभी थोड़ा सा इसको आप हिलाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना आप जब भी चिकन निकालोगे ना तो ये जो फ्रेम है ना लो में रखिएगा, इसको पूरा जोर से मत कीजिएगा, तो करेंगे तो वो चिकन ज्यादा ओवर कुक हो जाएगा और प्याज भी कुक हो जाएगा। तो अब इसको हम इतना कुक कभी नहीं करना है, तो उसको हमेशा लो फ्लेम में कर दीजिए। इतना ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। इतना भी करोगे तो आपका चिकन भी फ्राई होते रहेगा और आपका जो आपने जो उसके नीचे जो ऑनियन डाला हुआ है वो भी जलेगा नहीं। बस इसी तरह थोड़ा देर तक इसको जाना हो जाए, इसको ऐसे हिलाते रहिए। जी गाइस, देखिए मैंने चिकन डालने के बाद 2 मिनट इसको मैंने चलाया तो आपको इस तरह से कलर आएगा, क्रीमी कलर आएगा। तो इतना डालने के बाद हाफ फ्राई किया गया। अब इस पर डालते हैं मसाले। ठीक है, मसाले में सबसे पहले जाएगा नमक। नमक नमक मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आपको जितना चाहिए आप उतना नमक डालिए। और हल्दी मैंने इतना सा दिया है, एक चुटकी से, एक चुटकी से। तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब मैंने हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, देखिए ये 2 मसाले डाले हुए हैं। अब इसको अच्छी तरह से फिर से चलाते हैं। हल्दी और नमक हम चिकन में पहले इसके लिए डालते हैं ताकि इसके जो अच्छी तरह से इसकी जो कुकिंग है ना और भी मिठास आ जाएगा। अब हल्दी डालने से ना चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप पहले हल्दी और नमक डाल दोगे तो सामने हम बाद में भी डाल देंगे।
बाद बाकी वाला जो मसाला है वो डालते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें डालूंगा रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, क्योंकि आपको तीखा ज़्यादा नहीं खाना है, तो आपको जितना तीखा खाना है उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं खाएगा। और ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, बस ये मसाले डालने इसके अच्छी तरह से चलाते हैं, ठीक है। मैंने इसका मसाले डालने का इसको अच्छी तरह से चला दिया है, तो ये थोड़ा सा मसाले को कुक करने दीजिए, जब तक इसका जो ऑयल है ना सफ़ेद होकर ऊपर ना आ जाए, तब तक इसको थोड़ा मैं इसको ढक के रखता हूँ। तो ये इसको आप ढके रखिएगा 2 मिनट तक, तब तक वो अच्छी तरह से मसाला सभी कुक नहीं होगी, वो ऑयल ऊपर ना आ जाए, तब तक इसको कुक करने दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट इसको चिकन को मैं ढक के रखा था, देखते कहाँ तक मैं चिकन कैसे बना। वाओ, यही स्टिक्चर हो जाएगा, देखिए जो तेल है ना ऊपर आ गया है, तो यही सही टाइम है। इसमें मैं जो मैंने वो टमाटर जो मैंने काट के रखा था, वो टमाटर और वो हरी मिर्ची जो मैंने काट के रखा था ना, वो दोनों को एक साथ दे देंगे, ठीक है। तो ये मेरा टमाटर भी और हरी मिर्ची चले गई इसके अंदर में, ठीक है। अभी इसको मैं आराम से इसको कुक करूँगा, ठीक है। इसमें तो ढक्के रखा था, देखते हैं इसका कैसा है। टमाटर और ग्रीन चिली का पेस्ट को मैंने ढक दिया था, तो देख सकते हैं टमाटर मेरा ऑलमोस्ट पूरा, टमाटर पूरा गल गया है और मसाला पूरी अच्छी तरह से पक गया, देखिए। और देखिए इसका जो ऑयल है ना ऊपर आ गया, तो इसी को बोलते परफेक्ट कुकिंग। जब ऑयल आपका बाहर आ गया ना, तो समझिए आपका चिकन और मसाला दोनों कुक हो चुके हैं, ठीक है। अब फाइनल जो मैंने इसका पहले जो सबसे पहले मैंने आलू जो फ्राई करके रखा था उसको मैं दे देता हूँ। अभी मैंने आलू को दे दिया है, इसको कुछ अब नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा चलाना है। चलाने के बाद पानी दे के ढक के 5 मिनट तक इसको बॉइल भी रखते हैं, क्योंकि मेरा चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, ठीक है। तो गाइस हमें इसमें आलू डाल दिया है, अभी मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगा। आपको जितना डालना है पानी डाल सकते हैं, आपको जितना ग्रेवी, आपको जितना इसको ग्रेवी करके खाना है उतना खा सकते हैं, हमारी तो बस 1 गिलास काफ़ी है। अभी इसको मैं ढक के रखूँगा 10 मिनट तक, ये बॉइल हो जाएगा, आलू भी जो थोड़ा सा जो और भी पक जाएगा, चिकन भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको मैं ऑफ कर दूँगा, ठीक है। जी गाइस पूरे 10 मिनट इसको चिकन को ढक के, अभी इसको मैं डीप को हटाता हूँ, देख लीजिए। वाह, पूरा अच्छी तरह से कुक हो गया है, देखिए चिकन भी कुक हो गया है, आलू भी कुक हो गया है, देखिए ऊपर में आप देख सकते हैं, ये देखिए 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 ये पूरा तेल ऊपर में आ गया, मतलब परफेक्टली कुकिंग हो गया। देखिए आलू को भी मैं देख लूँ, आलू पक गया है, देखिए चिकन भी पक गया है, तो माय चिकन इज डन। वेट 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 वेट, इस तरह नहीं डन कैसे हो गया, कुछ मिस हो रहा है, पता है क्या, बताता हूँ कि जब तक ये ना डालूं कैसे चिकन पूरा हो सकता है। हर इंडिया के घर के में ये धनिया पत्ता नहीं डालेगा तो चिकन अधूरा हो जाता है, तो धनिया पत्ता को डालते हैं और चिकन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बस और ये गैस ऑफ, चिकन मेरा कंप्लीट। अभी चिकन को ढक के रख देते हैं, तो जब मैं खाना खाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय। फाइनली गाइस मेरे सारे खाना रेडी हो गए, अभी मैं ये सब खाने वाला हूँ, मैंने सब लोग मिल के खाएंगे। तो ये चावल, ये जो मैंने चिकन बनाया है, इसका आप रेसिपी ज़रूर देखना और बताना कि मैंने कैसे बनाया। अगर अच्छा लगा
तो आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और इसका बिना तो कुछ दिल ही नहीं लगता। चिकन बनाओ या मटन बनाओ, कोई भी नॉन वेज आइटम बनाओ, बिना सलाद का अधूरा है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग सब मिल के खाएँगे, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, मैंने वो सारे खाने खा लिए, अकेले ने नहीं, सब्जी ने मिल के खा लिए। तो अभी तक आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आज का जो मैंने आपको रेसिपी दिखाया है चिकन बनाने का, आपको कैसा लगा होगा, ठीक है। सब लोग अपना ख्याल रखना। तो ये वीडियो आज का इधर ही एंड होता है, एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर। हाँ।